दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की 5 रहस्यमय कहानियाँ, जहाँ भूत प्रेतों से लोगों को मिलती है मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, भारत अनेक विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ के लोग आस्था के साथ साथ तांत्रिक विद्या और अलौकिक शक्तियों पर भी भरोसा रखते हैं। 21वीं सदी की आस्था के प्रति कई मंदिर आज भी रहस्यमय कहानियों से परिपूर्ण है। इन्हीं रहस्यमय मंदिर में से एक है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। यह मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में दो पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ कलयुग के देवता श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर में हनुमान जी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा को मिलकर 3 देवताओं की प्रतिमा है। यहाँ तीनों देवताओं के अलग अलग प्रकार के प्रसाद है और उनकी पूजा अर्चना भी भिन्न तरीके से की जाती है। इस मंदिर के बारे में जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ के विचित्र नजारे, विचित्र मंदिर नियमावली, मंदिर की रहस्यमय गाथा सुनकर और देखकर आप परेशान हो जाएंगे। आज के आधुनिक समय में लोग विज्ञान पर भरोसा रखते हैं, भूत पिशाच को नहीं मानते। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में दूर दराज से लोग भूत पिशाच की बाधा से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है मंदिर की रहस्यमय कहानी। भाई छाती में है छेद। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर के भगवान हनुमान जी की प्रतिमा में बाई और एक छिद्र है। यहाँ से हमेशा एक गोले कतार में जल की प्रवाह निकलती रहती है। लोगों की मान्यता के अनुसार यह बालाजी का पसीना है। यहाँ प्रसाद के रूप में बालाजी को लड्डू, प्रेतराज के चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद चलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिन व्यक्ति पर ऊपरी साया मंडराता रहता है, जिन पर प्रेतों की मायावी शक्ति हावी रहती है, ऐसे व्यक्ति को जैसे ही इन प्रसादों को खिलाया जाता है, वो लोग अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। भक्तों को करना होता है इन नियमों का पालन। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर दर्शन करने के लिए आने वाले सभी यात्रियों के लिए एक नियम है कि कम से कम एक सप्ताह के लिए लहसुन, प्याज, शराब, अंडा आदि मांस का सेवन नहीं करें। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में हनुमान को भगवान श्री राम का परम भक्त बताया गया है और यही कारण है कि हनुमान मंदिर के पास राम सीता के मंदिर को भी बनाया जाता है। हनुमान मंदिर के पास राम सीता की एक प्रतिमा है। बालाजी मंदिर की मान्यता है कि भगवान राम सीता की प्रतिमा का दर्शन और बालाजी मंदिर में आए भक्त यात्रियों को करना चाहिए। अर्जी और दरख्वास्त दोनों में से मिलता है प्रसाद। दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में प्रसाद को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। अमूमन यहाँ के प्रसाद अन्य मंदिरों से भिन्न है। यहाँ प्रसाद को दरख्वास्त और अर्जी 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है। दरख्वास्त को बालाजी धाम में हाजिरी भी बोलते हैं। हाजिरी के प्रसाद को 2 बार खरीदना होता है और अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद मिलता है। मंदिर में 2 बार हाजिरी लगाने पर वहाँ से तुरंत निकल जाना होता है। अर्जी का प्रसाद लौटते समय इस प्रसाद को हाथों के पीछे हुए और फेंकना पड़ता है। नियमानुसार इस प्रसाद को फेंकते समय पीछे नहीं देखना चाहिए। मंदिर में 2 बजे लगता है भगवान का दरबार। जी हाँ दोस्तों, बालाजी मंदिर में दरबार में 3 देवता है, हनुमान जी, प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा की प्रतिमा है। भैरव बाबा यानी कोतवाल कप्तान की मूर्ति। यहाँ हर रात 2 बजे दरबार में पेशी कीर्तन होता है। दूर दराज से आए लोग के ऊपर भूत प्रेत के साया को यही दूर किया जाता है। इस मंदिर पर दूर दराज से कई यात्री आते हैं और यहाँ उन्हें भूत पिशाच जैसी समस्या से छुटकारा मिल जाता है। उसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ का प्रसाद लेकर कोई भी घर नहीं जा सकता। अमूमन आस्था के प्रत्येक मंदिर में लोग पूजा अर्चना के बाद प्रसाद चढ़ाते हैं और उसे घर ले जाते हैं। परंतु इस रहस्यमय मंदिर में ऐसे नियमावली बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ ना तो आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और ना ही किसी को दे सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इसे अपने घर भी नहीं ले जा सकते। यहाँ तक कि इस मंदिर के दरबार में कोई सुगंधित वस्तु या प्रसाद के अलावा अन्य खाने की पीने की चीजें भी आप घर नहीं ले जा सकते। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करते या प्रसाद या अन्य वस्तु को घर ले जाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर भूत प्रेत का साया मंडराने लगता है और वह व्यक्ति परेशान हो जाता है। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में मेहंदीपुर बालाजी भगवान की जय लिखना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।